नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इक्यू Z5 5G वर्सेस OnePlus 9 Pro का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Z5 5G में 6.48 इंच जबकि 9 Pro में 6.43 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Z5 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो Z5 5G में 3.02 इंच जबकि 9 Pro में 2.9 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Z5 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो Z5 5G में 0.33 इंच जबकि 9 Pro में 0.34 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Z5 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Z5 5G में 193 ग्राम जबकि 9 Pro में 197 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Z5 5G में IPS LCD जबकि 9 Pro में Fluid AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Z5 5G में 6.67 इंचेस जबकि 9 Pro में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Z5 5G में 1080x2400 और 9 Pro में 1440x3216 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Z5 5G में 85.14% जबकि 9 Pro में 90.23% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Z5 5G में 395 पिक्सल प्रति इंच जबकि 9 Pro में 526 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Z5 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और 9 Pro की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Z5 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 9 Pro की बात करें तो उसमें 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Z5 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और 9 Pro में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Z5 5G में Adreno 642L जबकि 9 Pro में Adreno 660 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Z5 5G में Qualcomm Snapdragon 778G और 9 Pro में Qualcomm Snapdragon 888 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 8GB 12GB की RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V11 देखने को मिलती है। बैटरी Z5 5G में 5000 mAh जबकि 9 Pro में 4500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Z5 5G में 2 कलर्स जबकि 9 Pro में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Z5 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 23,990 रुपीस, 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 26,990 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें 9 प्रो की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 64,999 रुपीस, 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 69,990 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो इक्यू Z5 5G में 8 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें OnePlus 9 Pro की तो उसमें 4 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में 9 Pro आगे है, मेन कैमरा में Z5 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में 9 प्रो आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी M51 है, दूसरा Realme 7 Pro है, तीसरा सैमसंग गैलेक्सी M31S है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus Nord है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।